खरगोन जिले में अवैध मदिरा कारोबारियों की अब खैर नहीं। सहायक आयुक्त आबकारी पराक्रम सिंह चंद्रावत और खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डार ने जिले भर में विशेष अभियान चलाकर अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिले भर में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते आज कसरावत तहसील के ग्राम गोपालपुरा में आबकारी अधिकारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जिसमें कपिल उर्फ पिंटू के घर पर भारी मात्रा में शराब होना बताया गया था, जिसके तहत दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर कपिल के पिता दिनेश और माता रमाबाई को गिरफ्तार किया गया। वहीं कपिल मौका देखकर फरार होने में कामयाब हो गया। आबकारी अधिकारी ने मौके से 350 पाव प्लेन देसी मदिरा, 50 पाउच कुल 72 लीटर मदिरा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय श्री गोपाल चंद दाट एवं सहायक आबकारी श्री पराक्रम सिंह चंद्रावत के आदेश के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोपालपुरा में पिंटू उर्फ कपिल के यहाँ भारी मात्रा में शराब रखी हुई है। दल पहले से ही गठित थे। सूचना की कार्रवाई मिलते ही ग्राम में कपिल के घर पर पहुंचे। उसके पिता सिराज दिनेश, पिता छीतू और उसकी माता रमाबाई, पिता दिनेश मौके पर मिले। घर की तलाशी ली गई। इस दौरान 350 पाव देसी प्लेन मदिरा के बरामद हुए एवं 50 पाव विदेशी मदिरा के बरामद हुए। कुल 72 लीटर मात्रा में शराब जब्त की गई। इसी दौरान पिंटू उर्फ कपिल मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी करना शेष प्रकरण विवेचना में जा रहा है। कोई आरोपी इसके अलावा पकड़े गए? अभी दो आरोपी हमारे हिरासत में और पिंटू फरार है। कौन कौन है दो? दिनेश पिता छीतू एवं रमाबाई पिता पति दिनेश। सर शराब की कीमत कितनी होगी लगभग? शराब की कीमत है 25,000 रुपये जी। और लगातार ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी क्या? कार्रवाई अभियान चल रहा है, कार्रवाई लगातार चल रही है और प्रभारी कार्रवाई हो रही है। सर जैसा कि अभी छः महीने 7 महीने पूर्व में भिलगांव में जो 42 लाख रुपए की शराब खरगोन जिले में बड़ी मात्रा में पकड़ी गई थी भिलगांव में, उसके बाद में कोई बड़ी कार्रवाई अब तक की हुई नहीं है सर? बड़ी कार्रवाई हो रही है, लगातार बड़े बड़े प्रकरण बन रहे हैं और भिलगांव के लिए भी अभी तैयारी चल रही है। भिलगांव में फिर शुरू हो चुकी है दारू? भिलगांव में फिर भी बड़े स्तर पर कारोबार, पुलिस फोर्स का सहयोग लेकर बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। आपका पूरा नाम सर? पवन टिकेकर, सहायक जिला अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य